रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स इज 9:1, तो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी समझते हो, I1:I2 गिवन है 9:1, तो एम्पलीट्यूड की रेशियो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर से ए बाई बी आ गया। क्या निकालना है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, आई मैक्स बाई आई मिनिमम का फॉर्मुला मैंने लिखवाया था, ए प्लस बी बाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से ए अपॉन बी गिवन है। तो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ वैल्यू पुट करोगे, कैसे वैल्यू पुट करोगे, इसको न्यूमिनेटर को एक काम करो, डिवाइड कर दो, किससे, बी से डिवाइड कर दो, चाहे इस न्यूमिनेटर को, इसको न्यूमिनेटर को इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर बी से डिवाइड कर दो, ए बाई बी प्लस वन, और डिनोमिनेटर भी ए बाई बी माइनस वन, ऐसे हो जाएगा। ए अपॉन बी की रेशियो आपके पास है, यहाँ से पुट करके आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये वैल्यू आ गई आपके पास वन। नेक्स्ट इसके अंदर इस क्वेश्चन को देखो, दो कोरेंट सोर्सेज हैं और आई और फोर आई इंटेंसिटीज हैं, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज क्या होंगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी में क्या होगा, ये करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे ये शॉर्टकट लगा रखा है, कैसे शॉर्टकट है, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वहाँ से इंटेंसिटी की रेशियो आ गई। नहीं तो हमें तो वैसे भी पता है मैक्सिमम इंटेंसिटी में क्या होता है, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव, कॉस फाइव वन होगा, तो ये टर्म आएगी मैक्सिमम इंटेंसिटी की और ये टर्म आएगी मिनिमम इंटेंसिटी की, तो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करके आई वन आई टू की वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी आ गई, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटीज, ठीक है। तो आपने ये होमवर्क करने हैं सारे के सारे जितने भी हैं, ये क्वेश्चन देख सकते हो, 14th तो क्वेश्चन है, इन YDSE एक्सपेरिमेंट छोटा d बाय बड़ा d की वैल्यू गिवन है, एट अ पॉइंट P ऑन द स्क्रीन रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल स्लिट्स I नॉट। तो वो कह रहे हैं कि पॉइंट P के ऊपर है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू इंटेंसिटी, मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंडिविजुअल इंटेंसिटी के इक्वल है, I नॉट है, इंडिविजुअल भी I नॉट है, रिजल्टेंट भी I नॉट है। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू वॉट, तो वो P पॉइंट की दूरी बताओ सेंटर से क्या होगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू इंडिविजुअल इंटेंसिटी, तो आई नॉट पुट कर दिया, सॉल्व करके 5/2 की वैल्यू पाई बाई 3 से 5 आ गया। फेज डिफरेंस से अब क्या निकाल सकते हो, पाथ डिफरेंस, क्योंकि फेज डिफरेंस क्या होता है, 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस, और फेज डिफरेंस 2π/3 निकाल लिया, सॉल्व करके क्या आ गया, पाथ डिफरेंस। तो यहां से सॉल्व करके क्या आ गया, पाथ डिफरेंस, लेकिन पाथ डिफरेंस हमने क्या निकाल रखा है, xd/d, तो ये पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू xd/d, हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, डी और डी की रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, ऐसे पी पॉइंट की दूरी कैन बी कैलकुलेटेड। तो वो उल्टा क्वेश्चन है, मैंने आपको उल्टा क्वेश्चन पूछा था, अगर एक्स गिवन है तो पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकालो, ये उल्टा कर रहा है, यहां से ये फेज डिफरेंस निकाल रहा है, फेज से पाथ निकाल रहा है, पाथ से एक्स निकाल रहा है, उल्टा काम कर रहा है। समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमा फॉर स्लिट सेपरेशन इक्वल टू ट्वाइस द वेवलेंथ इन YDSE एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू व्हाट, YDSE में वो कह रहा है कितने मैक्सिमा आएंगे अगर आपके पास जो स्लिट सेपरेशन है वो 2λ के इक्वल है, ट्वाइस द लैम्डा। तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, ए साइन डी साइन थीटा एन लैम्डा, डी आपको क्या गिवन है इसमें, स्लिट सेपरेशन 2λ, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, साइन थीटा एन बाई टू। अब आपको साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितने की बन है, 1 होती है, तो एन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2 है, एन 2 का मतलब दो इंटरफेरेंस पैटर्न ऊपर बनेंगे, ऑब्वियसली दो नीचे भी बनेंगे, प्लस माइनस 1, जो पैटर्न ऊपर बनता है वही पैटर्न नीचे भी, तो कितने मैक्सिमा बने, एक सेंट्रल तो ऑटोमेटिकली बन गया, दो ऊपर बन गए, दो नीचे बन गए, कुल मिला के 5 बन गए। तो अगर एन की वैल्यू 2 आ रही है मैक्सिमा में, तो ऐसे 5 पैटर्न बनने वाले हैं, दो ऊपर दो नीचे और एन 0 का पैटर्न अलग, ठीक। ठीक है,
नेक्स्ट शीट में ये होमवर्क है, ये क्वेश्चन होमवर्क है, कुछ करना नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन किया हुआ है मिसिंग वेवलेंथ वाला, ये भी होमवर्क है, ये भी नई बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये सब होमवर्क है, इजी क्वेश्चंस हैं, आप ये कर सकते हो। फिफ्थ देखना, क्वेश्चन है लाइट प्रोपगेट्स 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन अ ग्लास ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5। ठीक, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 इन टाइम टी नॉट, इन सेम टाइम टी नॉट लाइट प्रोपगेट्स अ डिस्टेंस ऑफ 2.25 सेंटीमीटर इन अ मीडियम। तो एक बार ग्लास में, एक बार मीडियम में, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम का क्या है? देखो आप इनको कंपेयर करने के लिए वैक्यूम इक्विवेलेंट डिस्टेंस बना लो ऑप्टिकल पाथ से। तो ग्लास के इक्विवेलेंट वैक्यूम डिस्टेंस क्या बनेगा? म्यू वन एक्स वन, और मीडियम के लिए म्यू टू एक्स टू। तो वैक्यूम में भी वही सेम डिस्टेंस ट्रेवल होगा, टाइम तो वही है, तो सॉल्व करके आपको म्यू टू निकालना है, बाकी सब कुछ गिवन है आंसर। ठीक है, तो दोनों मीडियम का वैक्यूम इक्विवेलेंट बना के इक्वेट कर दो, ऑप्टिकल पाथ किया था हमने, ये नहीं करना। ये देखो नाइन्थ, नाइन्थ में इस फिगर में S1 और S2 दो स्लिट्स हैं, ये सेंटर है और ये S4 है। S4 की दूरी आपको गिवन है y, अब वो कह रहा है रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ S3 एंड S4। तो S3 पे इंटेंसिटी क्या होगी? सबको पता है मैक्सिमम 4i0, सेंट्रल पॉइंट पे 4i0, और S4 पे क्या होगी? निकालनी पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या गिवन है? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस में क्या गिवन है? y, y की वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या आएगा? लैम्डा को मन में पुट करो 2π, तो क्या आएगा? फेज डिफरेंस। फिर आएगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी में ये फॉर्मूला लगाने की बजाय आप फॉर्मूला ये लगा देना 4i0 cos स्क्वायर 5/2, एक ही बात है, नहीं तो ये भी लगा दोगे तो भी कोई बात नहीं, आंसर क्या जीरो आएगा। तो रेशियो क्या आएगी? 4i0 वर्सेस जीरो, 4i0 ना जीरो। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि सेंटर पे इंटेंसिटी कैसे निकलेगी और वाई डिस्टेंस पे कैसे निकलेगी। ठीक, आज मैंने बताया इसकी थ्योरी में कैसे करना है। ठीक, ये क्वेश्चन देखो टेंथ, तो क्वेश्चन है पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्लेट, 25% ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय अपर सरफेस एंड 50% ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम लोअर सरफेस। तो कह रहे इंटेंसिटी आई नॉट गिरती है ग्लास स्लैब पे, 25% 1/4 होती है, ये रिफ्लेक्ट हो गई, कितनी आई? I0 बाय 4, बची कितनी? 3i0 बाय 4 ग्लास में चली गई। ऊपर की सरफेस से 25% रिफ्लेक्ट होती है और नीचे की सरफेस से 50, तो इसमें से आधी 50% 3i0 बाय 8 इधर आई, रिफ्रैक्ट होके वापस आ गई। तब दो लाइट्स बाहर निकली, एक ये, इनकी इंटरफेरेंस हो गई। आपको बताना है आई मैक्स और आई मिनिमम की रेशियो क्या होगी। ठीक है, यहां तक जो टक्कर मार रही है उसका, हाँ उसका, उसकी, तो पहले जो टक्कर मार रही है उसका 25%, फिर बची में से जो टक्कर मार रही है उसका 50%। तो ये I1 है, ये I2 है, तो फिर I max और I minimum की रेशियो आपको पता ही है, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2। वैसे a प्लस b बाय a माइनस b का होल स्क्वायर था, पर a अंडर रूट ऑफ I1 को लिखा जा सकता है, तो यहाँ से आंसर आएगा। तो मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।
ट्राई करनी है ये शीट. नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th. को क्वेश्चन है एस ने एस से सोर्स से लाइट निकली, एस वन एस टू स्लिट्स हैं, पी टू पॉइंट पर लाइट पहुंची, इंटरफेयर हुई. पी टू पॉइंट पर क्वेश्चन में गिवन है मिनिमा हो रहा है, मिनिमा का मतलब यहां पर कोई लाइट नहीं है. तो आगे वो कह रहा है कि यहां से होल कर दिया, पिन मार के होल कर दिया, फिर एस थ्री एस फोर दो स्लिट्स बना दी, नई स्क्रीन रख दी, क्या इस स्क्रीन पर इंटरफेरेंस होगा? ऐसा सुनने में लगता है कि नहीं होगा क्योंकि यहां पर तो डार्कनेस है. डार्कनेस इसलिए है क्योंकि क्रेस्ट ट्रफ को कैंसिल कर रहा है, इसलिए नहीं है कि वहां लाइट नहीं गिर रही, लाइट दो दो गिर रही हैं, कैंसिल कर रही हैं. तो आप अगर वहां ओपनिंग कर दोगे वो लाइट अब बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी फिर से इंटरफेरेंस बना देगी, तो इसलिए फिर से रेगुलर टू स्लिट का पैटर्न बनेगा. ठीक, तब ना बनता जब यहां लाइट गिरती ना, दो दो लाइट गिर रही हैं होल की वजह से, वो अब बाहर निकलाएंगी और फिर से इंटरफेरेंस शो करेंगी. समझ में आ रहा है यहां तक इसका आंसर क्या लिखना है? बाकी नॉर्मल है. ये क्वेश्चन देख लो, दो आइडेंटिकल रेडिएटर्स हैं, रेडिएटर्स जो सोर्स ऑफ लाइट, और हैव अ सेपरेशन ऑफ डी इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4. इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन सोर्सेज पाई बाय 4, यानी कि पैदा होते ही लाइट पाई बाय 4 फेज डिफरेंस क्रिएट कर देती है. फिर वो कह रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन बताओ एट अ डिस्टेंस एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द रेडिएटर. अब ये एंगल फेज डिफरेंस नहीं है, प्लीज आज की थ्योरी में करवाया था ये एंगल, ये थीटा है. तो थीटा है क्योंकि ना फर्स्ट स्लिट ना सेकंड स्लिट, उसके मिड पॉइंट से लेते हैं थीटा. तो ये पार्ट डिफरेंस क्या होगा? डी साइन थीटा. इनिशियल फेज डिफरेंस क्या है? पाई बाय 4. पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा. तो फेज डिफरेंस क्या होगा? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डी साइन थीटा. थीटा आपको 30 डिग्री गिवन है, तो ये आपके पास फेज डिफरेंस पाई बाय 4. तो एक फेज डिफरेंस डिस्टेंस की वजह से, एक इनिशियल की वजह से, टोटल फेज डिफरेंस इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या होगा? पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, यानी कि क्या आएगा? पाई बाय 2. अब पाई बाय 2 आ गया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है, ये फाई की जगह क्या पुट करेंगे? पाई बाय 2 आंसर. तो रूल समझ में आ रहा है, इसके अंदर भी फेज डिफरेंस को क्या किया? ऐड किया.